इतका बारा 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 लबुन मसम दिया बना शक्कर बतुली क्या पला बीरो बो मैं आपके दिमाग को खुलता हुआ ओपन होता हुआ देख रहा हूँ अपने स्पिरिट के अंदर ये होली स्पिरिट जो आपको छू रहा है ये होली स्पिरिट जो आपको भर रहा है ये होली स्पिरिट जो आपको मसा से सामर्थ्य अभिषेक से भर रहा है मांगते हैं यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य का नाम से आमीन हालेलुया हालेलुया सब बैठो अपने जिस्म के अंदर रूम में आप मेरे साथ प्रेजेंट हो खुदा की आत्मा यहाँ मौजूद है खुदा का जलाल यहाँ पर जाहिर हो चुका है आमीन बैठे सब आप पीछे तो हैं हालेलुया कितने लोगों को खुदा की प्रेजेंस महसूस हुई है बैठ के बना लो बैठ के बेटा आगे आगे बनाओ थोड़ा सेंस इस्तेमाल करो हाँ इधर बैठो हालेलुया मैं आज आपके दरमियान जो आया हूं ये जो कपड़े मैंने जो पहने हुए ना ये भी खुदा की आत्मा ने मुझे रात को ख्वाब में बोला कि ये कपड़े पहन के जाना आमीन मुझे खुदा की आत्मा ने मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सा सादा सा मैसेज तैयार किया हुआ था वो मैसेज कुछ ये ऐसा ही था कि आपको मतलब के रिफ्रेशमेंट के तौर पर देने के लिए लेकिन सुबह जब मैं रोजे के अंदर था पाखू के साथ मैं बात कर रहा था तो खुदा की आत्मा ने मुझे बोला कि इनको सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बता के आना पाखरू के बारे में बात बता के आना किसके बारे में बता के आना मुझे भी जब पता कि आप लोगों को पाखरू के बारे में पता है मैं ये जानता कि अगर आज का मैसेज आपने सुन लिया तो पाखरू की भूख और प्यास आपके अंदर भरने वाली है और आपको खुदा का पाखरू आज मिलने वाला है इस मसीह के जिंदा नाम से आमीन इस बात के निशानी हाथों को उठा कर मांगो खुदा की आत्मा को बोलो खुदा तेरा आत्मा आज कलाम के जरिए छू जाए क्योंकि जिसका दिल खुला होगा खुदा का कलाम अगर मुझे मिला तो इनको सुना किया तो खुदा का कलाम आज बेतसीर बेंचाम नहीं लौटेगा इस मसीह के नाम से मांगो खुदा का कलाम हाथों को उठाकर बोलो खुदा तेरा कलाम आज मुझे मिल जाए तेरे वर्ड आज पूरे हो जो तूने अपने बंदा को दिए वो वर्ड मेरी लाइफ के ऊपर असर करके आए इस मसीह के जिंदा मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के दिलों को खुशी के साथ भरते हुए मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को खुशी के साथ और मस्ता के साथ भरते हुए राइट नाउ इस मसीह के जिंदा और जय नाम थे जितने ऑनलाइन राइट नाउ देख रहे हो आपको भी आज पाखरू मिलने वाला है आज आपका भी होली स्पिरिट के साथ फुलफिल होने का डे है आमीन हालेलुया हालेलुया मेरे साथ निकाले रसूलों के अमाल हालेलुया मेरे साथ निकाले रसूलों के अमाल उसका दो बाप तो बड़े दिल लगा के आज आपने वर्ड सुनना अगर आपको पाखरू चाहिए रसूलों के अमाल दो बाप उसकी हम पहली आयत से पढ़ेंगे यहां पर कुछ लिखा हुआ है जब ईदे पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का क्या होता है सन्नाटा होता है उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया उन्हें आग की शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी उनमें से हर एक पर आ ठहरी वो सब रूद से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जितना रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी आमीन हालेलुया जहां पर हम देखते हैं कि रसूलों के ऊपर और जिनमें मुकद्दसा मरियम भी शामिल थी और भी खुदा के शागिर्द थे जो कि 12 शागिर्दों के अलावा भी यीशु मसीह के शागिर्द थे वो सबको यीशु मसीह ने बोला जब वो जाने लगे तो बोला कि तुम मेरी बाट जोते रहना और एक जगह यरूशलम में रहना वहां पर एक तुम दुआ करना जब तक तुम्हें क्या ना मिल जाए पाखरू ना मिल जाए क्या ना मिल जाए पाखरू ना मिल जाए अब मैं आपको बताता हूं पाखरू ना मिल जाए और क्या उनके पास पहले पाखरू नहीं था कि जिनको बोला गया कि तुम्हें पाखरू ना मिल जाए उनके पास पाखरू नहीं था उनके पास यहोवा खुदा की ओमनी प्रेजेंस जिसे कह सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में मौजूद होती है जहां भी खुदा का नाम लिया जाए ओमनी प्रेजेंस बोलो ओमनी प्रेजेंस ओमनी प्रेजेंस उसे कह सकते हैं कि कोई भी शख्स जहां भी खुदा का नाम ले ले वहां पर ओमनी प्रेजेंस मौजूद है क्योंकि लोग कहते हैं कि खुदा हर जगह क्या है
मौजूद है, लेकिन एक होती है अनेंटेड प्रेजेंस, ऐसी प्रेजेंस जिसमें हमें महसूस होता है कि खुदा हमारे आसपास ही है, खुदा हमारे साथ ही है, उससे हम कहेंगे अनेंटेड प्रेजेंस, मतलब मसा से भरी हुई खुदा की प्रेजेंस। सिर्फ और सिर्फ दुनिया में मसीही ऐसी कौम है जो कि खुदा को बाप कहती, जो कि उन्हें मसा महसूस होता है। शैतान को भी शैतान लोग जब जादू तो अंतरिक्ष कुछ भी वो करते हैं, उन्हें भी शैतान की प्रेजेंस महसूस होती है, और उन्हें भी शैतान अपने पास बैठा हुआ अपने साथ बातें करता हुआ महसूस होता है। एकदम खुदा के लोगों को भी जब वो दुआ में रूह के साथ होते तो उन्हें भी खुदा की प्रेजेंस महसूस होती जब वो खुदा के साथ दुआ कर रहे होते और रूह के साथ होते। अब मैं बात करता हूं, इन्हें बोला कि मांगते रहना, क्या करना, मांगते रहना। जिनके पास पाक रूह नहीं उन्हें मैं ये कहूंगा कि वो मसीह नहीं कह सकते हमें, जिस तरह इन्हें बोला गया 120 की जमात, ये 120 की जमात नहीं थी, पहले कितने लोग थे, जब यीशु मसीह गए हम अंजीलों के अंदर देखते हैं 500 लोगों को यीशु मसीह दिखे, कितने लोगों को, 500 में से किसी को उसकी मां ने सताया कि भाई रोज रोज दुआ नहीं किया कर, किसी को उसके बाप ने बोला काम पे जा फारिग यहाँ पर बैठ, किसी को उसके वाइफ ने डिस्टर्ब किया प्रेशर डाला तू क्या, किसी को यूवियो ने तंग किया, किसी को रोमियो ने तंग किया कि हम तेरा नाम आराधना से हैकर से काट देंगे, हमारे साथ तुम्हारे साथ कोई रब्ता नहीं रखेंगे, कट कर देंगे तुम्हारा नाम। तो उनको डर जाते जाते 380 लोग वापस चले गए, सिर्फ और सिर्फ कितने लोग रह गए, 120 की जमात। आज भी आप कलीसिया के अंदर देखो, कलीसिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, कलीसिया तो 500 की क्राउड आता है, 1000 का क्राउड चर्च के अंदर आता है, लेकिन जो पाकू के साथ भरे हुए वो सिर्फ और सिर्फ आपको 100, आपको 50, आपको उससे भी कम लोग मिलेंगे जो पाकू के साथ भरे हुए। और उन पाकू से भरे हुए लोगों में भी कुछ ऐसे शामिल हैं जिनको हम कंसीडर ही नहीं कर सकते ये पाकू के साथ भरे हुए हैं, क्योंकि उनके काम पाकू के साथ और गुलाम के साथ मैच नहीं करते। आमीन। अब मैं आपको कहता हूं, अगर एक मसीह को ये पता नहीं कि पाकू है क्या, तो उसे ये पता नहीं कि दुपागू या खुदा काम क्या कर सकता है। हम में और गैर कौम में कोई फर्क नहीं जब तक पाकू हमें ना मिल जाए। बहुत से ऐसे मसीह भी हैं जो के 10-10 या 50-50 साल हो गए उन्हें बपतिस्मा लिए, लेकिन अभी तक उनके पास पाकू नहीं, उनके पास पाकू का बपतिस्मा नहीं हुआ हुआ। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी क्या है, गैर कौम है। हमें आंसू बहाना चाहिए, घुटनों के बल आकर दुआ करनी चाहिए कि हमें क्या मिल जाए, पाखरू मिल जाए, क्योंकि इसके बगैर बाइबल कहती है तुम क्या हो, यतीम हो, तुम्हारा कोई खुदा नहीं, तुम दुनिया में लावारिस हो और तुम पे कोई भी ताकत अटैक कर सकती। याद रखो कि दुनिया में दो ताकतें काम करती, एक खुदा की ताकत और दूसरी शैतान की ताकत। खुदा की ताकत अगर काम करेगी तो पाखरू के वसीले से काम करेगी, शैतान की ताकत काम करेगी जब आप पाखरू से क्या होंगे, खाली होंगे। जब आप पाखरू से खाली होंगे आए दिन आप पे जादू अटैक करेगा, आए दिन आप बीमारी के अंदर प्रॉब्लम के अंदर मुश्किलातों के अंदर होंगे, लेकिन जब पाखरू आपके अंदर होगा ये नहीं मैं कहता कि बीमारी नहीं आएगी, मैं ये कभी भी नहीं कहता आपके मुसीबत नहीं आएगी, ये आएगी, लेकिन ये आपको बीमार कमजोर या दुखी करके नहीं जाएगी, बल्कि आप इनके ऊपर पता पाते में नजर आओगे। आमीन। ये चीज याद रखो कि पाखरू पाने के सबसे पहले पाखरू की पहचान होनी जरूरी, क्या होनी जरूरी है, पहचान, पाखरू की पहचान। कुछ लोगों को हम जब कपड़ा लेने जाते हैं, कुछ लोग पता होता है ना कि ये कॉटन का कपड़ा है, ये किसी और का कपड़ा है, ये किसी और का कपड़ा है, जब तक उसे पहचान नहीं होगी वो जिस दुकान के अंदर बाजार के अंदर जाएगा पहले वो ही कपड़ा उठा के ले लेगा, क्योंकि उसे अच्छे और बुरे और मिलावटी कपड़े की कोई पहचान नहीं। कुछ ब्रांडेड कपड़े होते हैं, कुछ लोकल कपड़े होते हैं, उनका थर्ड पीस थर्ड कॉपी उनकी होती, इसी तरह घड़ियां भी मिल जाती, एक घड़ी मिल जाती है 200 रुपए में, एक घड़ी मिलती है 2 लाख रुपए में, क्योंकि इनकी भी थर्ड कॉपी समय पता होती है, जिसको ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतनी ही हिसाब से वो घड़ी लेगा।
आमीन। अब जब आपको पाखरू के बारे में पता नहीं होगा तो आपको मिलेगा कैसे? वो आपको मिलेगा कहते हैं जेड़ा पिंड जाना नहीं होता एड्रेस फिर क्यों पूछिए? जब आपको पाखरू का पता होगा कि ये पाखरू ही है जो मुझे मिल चुका है, ये पाखरू ही है। आपको मैं बताता हूं कि पाखरू जिंदा खुदा है। अब पाखरू दुनिया के ऊपर है, ठीक। अब आदम और हवा को कहते लोग जानते कि खुदा ने दुनिया दे दी थी। ये दुनिया किसकी है? आदम और हवा को दे दी। इसका मतलब आप लोगों को दुनिया दे दी। हमारा खुदा गैरत वाला खुदा है। कैसा खुदा है? आपने किसी को गिफ्ट दिया हो, आप उससे रोज तो नहीं पूछते वो गिफ्ट कैसा है या कैसा नहीं। कभी पूछा आपने? आपने गिफ्ट दे दिया चाहे वो उसकी टेक केयर करे या ना करे। इसी तरह मैं आपको कहता हूं, जब आपको ये दुनिया दे दी गई है तो आपको आप पाखरू को इनवाइट करोगे। पाखरू खुद ना खुद नहीं आ जाएगा आपके पास, क्योंकि वो कौन सा खुदा है? जेंटल परमेश्वर, तज़ीम और अदबो अदाब का क्या है? खुदा है। समझ चल रही है आपको? पाखरू के लिए पहले नंबर पे आपको क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनविटेशन देना पड़ेगा आपको पाखरू के लिए। अब जब आप पाखरू को इनवाइट करोगे, वो इनविटेशन के अंदर भी कई तरह के क्या है, कई तरह की चीजें इन्वॉल्व है। वो क्या चीजें इन्वॉल्व है? आप पाखरू को इनवाइट करते करते आप बोलोगे, पाखरू मेरे अंदर आ, पहले नंबर पर पाखरू मेरे इस इलाके के अंदर आ, पाखरू मेरे इस इलाके के अंदर, मेरा ये घर है इस घर के अंदर आ, इस घर में भी कई कमरे, पाखरू इस कमरे के अंदर आ जा। ध्यान आपका होना चाहिए, समझ चलिए मैं पाखरू लेने का तरीका बता रहा हूं। क्योंकि पूरी दुनिया के ऊपर शैतान का कब्जा है, शैतान का कब्जा है, तो पाखरू इस तरह काम नहीं करता। आपको पाखरू का पूरा एड्रेस बताना है ताकि वो पाखरू आ सके। ये नहीं कि पाखरू उनके पास सेंस नहीं कि वो नहीं आ सकता, वो आ सकता है, लेकिन आपको भी एड्रेस बताना है। क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं, क्योंकि मेहमान की इज्जत तब होती है जब आप उसे आगे से पिक करो। पाखरू आए और आप बोलो पाखरू आपके अंदर आ जा, इस तरह नहीं आएगा। पाखरू आपको बताना पड़ेगा इस कमरे में बैठी हुई हूँ, यहाँ पर हूँ। जिस तरह किसी बच्चे के साथ बात करते हैं उसी तरह आपको गाइड करना होगा, आपको बोलना होगा। लेकिन जब वो आपके पास आ जाएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम का हल उसी दिन तो नहीं होगा, लेकिन वो पाखरू आपको इतना मजबूत कर देगा, वो सारे हल होते हुए आपको नजर आते हुए नजर आएंगे। आमीन। याद रखो पाखरू जिंदा खुदा है। जिसने पाखरू को ललकारा उसने भी मौत को ललकारा। पाखरू लेने के लिए जादूगर तरसे। बाइबल में आप रसूलों के पास पढ़ो, पतरस के पास आके जादूगर कहता कि मुझे क्या दे दे? पाखरू दे दे, मुझसे पैसे ले ले और मुझे क्या दे दे? पाखरू दे दे। ये पाखरू उन जादूगरों की सारी ताकतों के ऊपर क्या था? भारी था, हैवी था, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल था। मुझे नहीं लग रहा आपको समझ आ रही, लेकिन मैं बहुत सिंपल करके आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो पाखरू, अब आप निकालो पहला ग्रंथियों 12 बाब, पहला ग्रंथियों 12 बाब उसकी चौथी आयत। नेमते तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावन एक ही है, तस्वीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का क्या पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का जहूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है, दूसरे को उसी रूह की मर्जी के माफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौसम की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूह का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जमा। लेकिन सब तस्वीरें वही एक रूह करता है जिसको जो चाहता है बांटता है। अब यहां पर देखो, जब पाखरू आपकी जिंदगी के अंदर आएगा तो आपको क्या मिलेंगे?
नियुक्ति मिलेगी। पहले नंबर पे बोला गया है किसी को, क्या लिखा गया है, किसी को लिखा गया पहले नंबर, नियुक्ति तरह तरह की है लेकिन पहले नंबर पे लिखा गया है क्योंकि रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है। मतलब जब पांव आपकी जिंदगी के अंदर आएगा तो आपको क्या मिलेगी, हिकमत। क्या मिलेगी, हिकमत। क्या मिलेगी, वो हिम्मत नहीं, हिकमत। हिम्मत तो मिलेगी मिलेगी, हिकमत। हिकमत मतलब कि आप बाइबल का, आपको ये नहीं कि आपको किताबें आपने पढ़ी हो बड़ी हिकमत वाली, आप बाइबल की एक आयत पढ़ोगे आपको खुदा इसके पीछे की सारी कहानी बताएगा। इसे कहा जाता है हिकमत। क्या कहा जाता है, आप अपनी जिंदगी में सही डिसीजन, सही फैसले ले पाओगे। कहां पे जगह खरीदनी है, कहां पे जगह नहीं खरीदनी, ये कौन बताएगा आपको, पाकरू बताएगा। किससे बात करनी हो, किससे बात नहीं करनी, ये कौन बताएगा, पाकरू बताएगा। लेकिन जब हिकमत नहीं होगी तो इंसान फंसता है और अपने पैसे ही फंसा के वो बैठ जाता है। जब हिकमत नहीं होती वो डाकू के साथ मिल जाता है और डाकू से मार डालते हैं। जब हिकमत नहीं होती तो उसे वो प्रोजेक्ट को शुरू कर देता जिसमें उसे फायदा नहीं होता क्योंकि उसके पास पाकरू नहीं है। उसके पास पाकरू की हिकमत, पाकरू की दनाई और पाकरू का मसा उसके पास जिंदगी के अंदर नहीं है। जब उसके पास हिकमत नहीं होती वो जहां पर वो बात नहीं बोलनी वहां पर वो बात बोलता है और बहुत बुरी तरह क्या हो जाता है, फंस जाता है क्योंकि उसके पास पाकरू नहीं। कोई दुनिया में पाकरू नहीं है लेकिन कोई दुनिया में पाकरू मौजूद है। वो मिलता किनको है, जो उसे इनवाइट करते हैं। याद रखो पाकरू आपके पास खड़े रह सकता है लेकिन आप पाकरू के बगैर रह सकते हो। पाकरू मैंने कहा आपके पास खड़े रह सकता है लेकिन वो आपको छू नहीं सकता जब तक आप अपना दिल उसके लिए ना खोलो। जब तक आप उसे ना बोलो पाकरू को छू जा। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है वो रो रो के दुआ करते हैं कि पाकरू को छू जा। ऐसे लोगों को देखा है जो जमीन में मुक्के मार मार के सर झुका झुका के दुआ करते हैं, जो रोजे इसलिए रखते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, पाकरू का बपतिस्मा मिल जाए और उनकी जिंदगी आप देखने वाली होती है शाही जिंदगी, लक्ष्य जिंदगी और वंडरफुल लाइफ को गुजार रहे होते हैं। उनकी जिंदगी में आम लोगों की तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आम लोगों की तरह मिसमैनेजमेंट नहीं होती।